चमत्कार सच टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज हमारे बीच में चर्च के असली प्रोग्राम में नुरंग लाल हैं और उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला है। सो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आपका नाम क्या है? सुलोचना। सुलोचना, हाँ जी। हाँ, तो सुलोचना बेटा, ये मुझे बताइए कि ये जो आपके बेटे के समस्या थी परमेश्वर मसीह के आने से पहले, हाँ जी, आप चर्च में आने से पहले आप क्या था, हुआ कैसे, क्या हुआ था? आने से पहले भी पगाव में एक दिक्कत है, चालीस तो को नहीं हूँ पगाव, जमे कौन चालीस तो नहीं, पहले पाँव में दिक्कत थी, हाँ जी, फिर डॉक्टर को दवाई दे रही, तीन साल वो जो दो नहीं, क्या हुआ, क्या था, कैसे? इन चमड़ी में, अच्छा चमड़ी में थे, चमड़ी में रोग हो, चमड़ी में रोग था, कौन सा ली तो, कितना को था, कब से थी ये, कितना को बड़ा था ये? ओ, तीन साल को, तीन साल का, हाँ। तो तीन साल का था मतलब, जैसे तो इसके पैरों में स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब चमड़ी का ऐसा हो गया था, रोग जैसे हो गया था, जैसे इसके हाथों पे है, हाँ जी, तो ऐसा हो गया था, यानी कि वो उससे जैसे बीच में ऐसे फट जाता है, हाँ, है ना, हाँ, रस्सी पड़ जाती, रेशा निकलना शुरू हो जाता है, हाँ, रस्सी निकलनी शुरू हो गई, हाँ, जैसे मतलब जख्म जुख्म से हो जाते हैं, मतलब पूरा हो गया था वो, हाँ जी, सिर मार पेट पर है, सारे गलग्यो जमा, अच्छा सिर पे भी था, हाँ सिर में ही, बहुत ज्यादा सिर में ही, सिर में भी था, अच्छा, हाँ, पेट पे भी, पेट पर भी, अठे भी, इन्हें भी, सारा, अच्छा, भी पेट, हाँ, पे भी, सारा भी, पीछे भी, हाँ, अच्छा पूरा शरीर, पूरा शरीर गल गया था ऐसा कहूँ तो, हाँ, है ना, वो जैसे इससे हो गया, हाँ, स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, तीन साल का था जब, हाँ, तीन साल वो जब, तीन साल का था, हाँ, तो अभी तो जब इसके तो हाथों, हाथ खाना ऐसे ऐसे करके, अभी तो ठीक है, अब दवाई बंद कर देंगे, कैमरे की तरफ करके दिखाना, दूसरा भी दिखाओ, वही दिखाई, ऐसे ऐसे खोलो ना, ऐसे शर्माओ मत, ऐसे कर, बोलो अब तो डेढ़ महीना, ऐसे करते, ऐसे ऐसे, अब आराम आएंगे, तो मतलब अभी तो इसके हाथों को यह आराम है, इसका मतलब इससे पहले तो ये तो बहुत बुरा हाल था, बुरा हाल है कि पूछो ही ना, तीन तो साल का जब था, और अभी कितने साल का हो गया, अब 16 साल हो गया, 16 साल हो गया, हाँ। तो उस इतने लंबा समय तक ये दुख इसने देखा, ये, हाँ जी, ये हम ये फिर, अच्छा पहले पैरों पे था, फिर हाथों में हो गया, हाँ, पैरों चली तो कौन ही होने, चल नहीं सकता था, हाँ। तो हाथों में हो गया, तो फिर ये स्कूल जाना और ये सब, फिर तो फिर इसका कैसे करते थे, स्कूल से लिखना और ये सब, फिर ओख हो गया, लिखी तो कौन, फिर पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, हाँ, इसने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि लिखा लुखा नहीं जाता था, पढ़ाई छोड़ दी, हाँ। तो फिर ये जिसके जैसे हाथ गले हुए थे, ये पूरा शरीर ऐसे गला हुआ था, जैसे पुराने समय में कह देते जैसे कोड़ से भी ज्यादा था ये, तो हाँ, ये कोड़, हाँ, से भी ज्यादा ऐसी समस्या थी, तो फिर ये नहाना नहुना कैसे करते थे, तो इसको तो साबुन नहीं लगा सकता, साबुन को लगाता नहीं, अब सीधा पानी डोल के कपड़ा बदल देती हूं मैं, खुद आप नहाती, मैं आप नहाते थे इसको, हाँ जी, तो और मतलब सिर्फ पानी ऊपर, मतलब वो भी हमेशा नहीं कर सकते थे, तो दो दिनों करती या तीन दिनों करती, हाँ, या, क्योंकि उसके जख्म जो थे वो गीले हो जाते पानी से, और हाँ, फिर तो ये बहुत कठिनाई होती, मुस्कान लग गई, बहुत गंदो वसन लग गई, तो इसमें ऐसा होता ही है, हाँ, जो रशी निकलती है ना, रेशा निकलता है, उसकी बदबू आती बहुत आती है इसमें, तो और फिर खाना खुना कैसे खाते, खाना तो मैं चूर के रोटी चम्मच दे देती, चम्मच से खान, तो अच्छा रोटी चूर कर देने, हाँ, और अच्छा आपको आप देते उसे रोटी चूर, हाँ, मैं चूर के देती बिना रोटी, तो इसके इसके पापा को भी कोई थी दिक्कत थी, बीमारी थी, कोई परेशानी थी क्या? हाँ, गंठिया बा वो पापा, अच्छा गंठिया बा थी, हाँ, फिर 13-14 साल दवाई खाई, फिर 13-14 साल, हाँ 13-14 साल दवाई खाई, हाँ 13-14 साल, फिर फिर वो औख हो गयो, बहुत ही मुश्किल हो गयो घर सामने, क्या करा, मतलब वो उनकी मृत्यु हो गई, हाँ, है ना, मतलब ऐसा मैं कहूँ कि वो जो बीमारी थी, वो बीमारी इतने साल लगातार बीमारी लगी रही, और बीमारी के कारण वो मर गए ना, हाँ जी, उस बीमारी में बेचारे मर गए, उनकी, हाँ, जान निकल गई बेचारे, हाँ, और ये बेटे को भी आप इतना संभाला, और जब तीन साल का था
और एक दिन संभालना मुश्किल हो जाता है। 3 साल का अब किसी शादी में लेकर जाते हैं, कहीं रिश्तेदारियों में लेकर जाते हैं, और कहीं आपको मायके में जाना है, चल मायके वाले तो अपने होते हैं, कोई इधर उधर कोई और रिश्तेदारियों में लेकर जाना है, तो ये तो सारा जैसे इसका हाल था। हाँ। और इसको साथ लेकर जाना और ये सब कितना कठिन था, बहुत बड़ी समस्या थी। इसके कारण पढ़ाई भी छूट गई इसकी, खाना खाना और नहाना नहुना ये क्या बन गया, कहाँ से कहाँ क्या हो गया। और उसके बाद फिर आप आए। हाँ, चर्च में आई। चर्च में बाद में आया मैं, इनके पापा मुके बाद में आया मैं। अच्छा, चर्च में भी मतलब इनके इसके पापा की आपके पति की जब मृत्यु हो गई। हाँ। तो उसके बाद आप चर्च में आए। हाँ। तो उन्होंने मेरे ख्याल में क्या नाम है, हैदराम ने आपको बताया था। हाँ, हैदराम, हैदराम बताया था। हाँ। उन्होंने कहा भी आप वो क्या करते हो, चर्च में लेके चलो। हाँ, एक दिन दोपहर से फोन मन करो कहीं पूछो मैं क्यों बहुत हालत गंदी है, तो फिर का कुछ क्यों को नहीं थे बठापा चर्च में चल लांगा थे, जाओ जरूर जाओ, मैं कदे ना कर दू कदे हाँ कर दू, मैं कोई नहीं चल लांगा चल लांगा, फिर भी वहां फिर पूरी दबाव दी मेरे पर भी चलो थे आप चल ला बैठे, फिर मैं चल चल ला, फिर मैं इन रोनते ने या गंदी हालत हो रही बहुत रस्सी पड़े फिर लिया चर्च में। हाँ। तो इसके तो जब इसको लेके आए थे मैंने हाथ देखे थे, मैंने फोटो भी करवाई थी उस समय, अगर हुई तो मैं उनको आपको दिखाऊंगा उस समय। हाँ। उस समय का अगर फोटो बंदेड़ी है, चुन्नी सी बंदेड़ी है, इसके ऊपर चुन्नी सी मतलब सब हाथ हाथ इसके बंद है, ऊपर से चुन्नी से बांध रखी थी, चुन्नी पट्टा जी चामड़ी सगी पटी जी वजह दीती हालत गंदी, चुन्नी को हटाते थे तो वो चमड़ी पट्टी जाती थी जाती थी लेके आए थे। और फिर परमिशन सिंह ने चंगा किया, फिर प्रभु सिंह चंगा किया। हाँ। तो आप दिखाना ये कि ये ऐसे जो है इधर कैमरे की तरफ दिखाना। हाँ। तो अब अगर आप देखें तो अब ये इनका मानना है कि अब ठीक हैं बिल्कुल, जैसे वो जो तो आप ये देख लो जब ये खराब थे तो इनका क्या हाल था, है ना। अब तो इनको उनके अंदर ऐसे फटे हुए होते थे इनके, हाँ इनके ऐसे फटे हुए होते थे, इनके रेशा निकलता था, तो अब इन्हें मतलब जो है यहाँ ये जख्म सूखे हुए हैं, ये निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ। ये जख्म सूखे हुए हैं यहाँ पर वो नहीं है, अब काम लग रही है, बढ़िया काम लग रहे हैं। अच्छा, काम लग रहे हैं। हाँ, काम लग रहे हैं दोनों। ठीक है, सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर आप चर्च में जब आए फिर प्रभु ने चंगा किया, आपने बपतिस्मा लिया? नहीं लिया, अभी बपतिस्मा नहीं लिया। ठीक है, प्रभिष्म सिंह का नाम नहीं लिया अभी, ऐसा कहूँ तो। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो प्रभिष्म सिंह ने आपको चंगा किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। आप देखिएगा कैसे इनके हालात थे, 3 साल का बच्चा था और तब से पूरा शरीर कैसे गला हुआ था, कितनी बड़ी समस्या थी, कितनी बड़ी पीड़ा थी, और माँ और पूरा परिवार के लोग कितने परेशान थे, और सालों साल तक इसके लिए दवाई, आप इसके लिए दवाई दिलाते रहे आप तो। हाँ, 15 दिन की 2-3-4 हज़ार की दवाई आनती है, 15 दिन की दवाई। हाँ, जितेंद्र सरस्वती गंगानगर होटल, चलो अपने डॉक्टर का नाम नहीं लेना। हाँ। तो अब इनकी दवाई चलती रहती और इतना दुखी थे। हाँ, और उसी बीमारियों ने ही, उस परेशानियों में ही इसके पति बेचारे संसार को छोड़ के चले गए, बेचारे मर गए, और इतना दुख और इतना पीड़ा थी। और परमेश्वर मसीह ने क्या किया, जब चर्च में आए परमेश्वर मसीह ने पहले दिन मुझे पता है इसके हाथ ऐसे किए हुए थे और बहुत ज्यादा उसके अंदर बदबू आती थी, लेकिन फिर हम लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु की दया हुई और परमेश्वर मसीह ने चंगा किया। सो परमेश्वर आपको भी आशीष करेंगे, आपके साथ भी रहेंगे, प्रभु बरकत दें।